देखो यार, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती है, वो बैंड हो जाती है वगैरह, इस बारे में कुछ बताया था मैंने। पर आप में से कई लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया था, ये मेरी गलती है। देखो आज की इस वीडियो में आपको इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जैसे हम अर्थ की सरफेस पर है, तो हम अर्थ की सरफेस हमारे लिए क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम मूव कर सकते हैं, वो हमारे लिए ट्रैक है। तो उसी तरह जो है वो लाइट के लिए स्पेस टाइम एक ट्रैक है, वो जो फैब्रिक है स्पेस टाइम का वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो मूव कर सकती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अर्थ की सरफेस पर है और आप अर्थ की सरफेस पर 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है यानी आपका जो 1000 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट पाथ है अर्थ की सरफेस पर, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। पर एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो वो पाथ क्या है, कर्व्ड है, क्योंकि अर्थ की सरफेस कर्व्ड है। तो ये जो अर्थ की सरफेस का कर्वेचर है, ये इनको हम जियोडेसिक्स बोलते हैं, ये मैंने आपको जनरल रिलेटिविटी वाली वीडियो में बताया था। तो यही सेम होता है लाइट और स्पेस टाइम के साथ, स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो कर्व्ड होता है, तो इसी वजह से जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में ही करती है, मतलब उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। पर एक्चुअली में वो जियोडेसिक्स की वजह से जो कर्व्ड पाथ है उसकी वजह से कर्व हो जाती है, जैसे कि हमारे साथ अर्थ पे हुआ था, हम जो है वो स्ट्रेट लाइन का पाथ ही फॉलो कर रहे थे, हमारे लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ ही था। पर एक्चुअली में अब सरफेस ही कर्व्ड थी, तो हम क्या करें, मतलब हम हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ही कर्व्ड है, तो हम किस पे मूव करें। तो यही लाइट के साथ होता है। और आई होप इस वीडियो में आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है ब्लैक होल की इमेज पर, वो जल्दी आएगी। तो बी अपडेटेड और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो साइंस की फूडी है। बाकी टिल देन मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।